Welcome in this class, and now we are going to discuss about angular momentum. तो angular momentum क्या होता है, angular momentum quantity है क्या, उसको समझने के लिए हम पहले जो हमारे पास एक concept है जो कि हम पहले ही develop कर चुके हैं उसको हम utilize करेंगे, then हम उस quantity के ऊपर आ जाएंगे कि उस क्वांटिटी का एक्चुअली थीम क्या है। यहाँ पे आपको एक जो है पर्सन नज़र आ रहा है, एक देर इज़ अ गर्ल एंड मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ रॉड। एक रॉड है, उसके गिर्द जो है जिस तरह से एक टर्न टेबल होती है उस टर्न टेबल पे रोटेट कर रही है। तो अब इसको हमें क्या करना है कि इसके हमें एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना है कि यहाँ पे कहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। तो डेफिनेटली जब इस तरह से रोटेशन हो रही है तो उस पर कोई फोर्स लग रही होगी और उस फोर्स के नतीजे में जो है ना टॉर्क प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पे रोटेशन हो रही है उसकी बेसिस पे हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे और टॉर्क से ही हम इस क्वान्टिटी तक पहुँचेंगे कि ये कौन सी क्वान्टिटी है। सो लेट सपोज के जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या टोटल जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू आर क्रॉस सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बोल्ड रखी हैं, इसका मकसद ये है कि हम उनको एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। टाइम जो है वो वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो हम इसको जो है बोल्ड फॉर्म में नहीं रखते, हम इसे जो सिंपली एक लेटर होता है उसके फॉर्म में रखते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दीज आर दी वेक्टर्स। तो यहाँ पे टॉर्क किसके इक्वल हो गया, आर क्रॉस सम ऑफ ऑल फोर्सेस के। तो आर सेम है, क्रॉस सेम है, फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज गिवन बाय दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो भी मोमेंटम में चेंज आ रही है उसको हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर लेंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द फोर्स, वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी की बेसिस पे हम फिर इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू डी मीन्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे आ गया आर क्रॉस पी, क्योंकि आर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई भी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन नहीं होती, तो आर वेरिएबल है, इस वजह से हमने जो है ना आर को यहाँ पे ले आए। तो डी आर क्रॉस पी, तो हमारे पास ये एक क्वांटिटी मिल गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ आर क्रॉस पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ R क्रॉस P। अब ये R क्रॉस P क्या है, इसको हमने नाम देना है। तो ये जो R क्रॉस P है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय L, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से, और जब हम इसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमें पता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का कि वेन एवर टू क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड तो हमें एक न्यू क्वांटिटी कोई ना कोई मिल जाती है। तो यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एक न्यू क्वांटिटी क्रिएट हो रही है, और जो ये न्यू क्वांटिटी क्रिएट हो रही है दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स है, कौन कौन सी, आर और पी। तो यही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में लिख दी, दिस इज दी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है किसी इंस्टेंट पे और उसकी जो पोजीशन वेक्टर की उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, जो भी उसमें से हमें न्यू क्वांटिटी क्रिएट होकर मिल रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जैसा कि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स। जो दोनों वेक्टर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं उस पे वो क्वांटिटी परपेंडिकुलर होती है,
इसका मकसद है आर और पी जिस भी प्लेन में होंगे जो एंगुलर मोमेंटम है एल उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम यूनिट लें तो यूनिट किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है, आर का यूनिट है मीटर और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मीटर हमने सेम रखा सेकेंड सेम रखा, मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये जो चीज़ हमने ब्रैकेट में लिखी है ये होती है जूल, सो इट इज़ जूल इंटू सेकेंड। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो गया जूल इंटू सेकेंड, और जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो होगी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा और ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन और उसके नीचे डेफिनेशन। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखें तो एंगुलर मोमेंटम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हम कर सकते हैं इन दी डायग्राम। तो ये आपको डायग्राम में हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। दिस इज़ दी एंगुलर मोमेंटम के, लेट्स से ये एक पार्टिकल है, ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल किसी चीज़ के गिर्द रोटेट कर रहा हो, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम मेजर कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू सम आर्बिट्री चूजन ओरिजिन। कोई भी आप ओरिजिन लेंगे क्योंकि ओरिजिन के सिवा आप एंगुलर मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते। तो एंगुलर मोमेंटम मालूम करने के लिए हमें ओरिजिन चूज़ करना होगा। ये हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए ओरिजिन चूज़ किया, पार्टिकल की पोजीशन ये है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये उसकी डायरेक्शन है लीनियर मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इन दिस केस अपवर्ड है, पॉजिटिव जेड है, ये एंगल है बिटवीन आर एंड पी। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो ये हो जाएगा आर पी साइन फाई। तो फाई जितनी ज़्यादा एंगल होगी उसकी बेसिस पे हमें जो है रिज़ल्ट वेरी होके मिल रहा होगा। अगर फाई की वैल्यू 90 होगी रिज़ल्ट मैक्सिमम मिलेगा, अगर फाई की वैल्यू 180 होगी रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा, अगर फाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो भी रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा। सो इन दिस वे द एंगुलर मोमेंटम विल हैव डिफरेंट वैल्यूज इन द डिफरेंट इंस्टेंट्स, वो इंस्टेंट्स पे भी नहीं बल्कि विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल बिटवीन द आर एंड पी, इन दोनों पे जो है ना जो एंगल बन रही है उस पे डिपेंड कर रहा होगा। एज वी नो एंगुलर मोमेंटम के अंदर दो क्वांटिटीज हैं आर और पी, पी लीनियर मोमेंटम है तो इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट, लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है। किस चीज़ की प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी की। तो अगर हम वो चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एम इंटू वी। तो हमने जो है एम स्केलर है उसको बाहर लेके आए, आर क्रॉस वी। तो हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसकी जनरेट कर सकते हैं जो कि होगी कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द मास टाइम्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की उसको जब आप आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के तहत, और फिर उसको आप मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आ रही होगी दैट इज नेम्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू एम आर वी साइन फाई। अगर आप ये फिगर देखें तो इस फिगर के अंदर आपको ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है इन दैट केस लीनियर वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर, दोनों के दरमियान एंगल 90 होती है, मतलब फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी। ये सिर्फ तब होता है जब एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन है,
तो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो उस 90 वैल्यू होने की वजह से हमारे पास साइन 90 की वैल्यू आ जाती है 1। तो फिर उसके बाद हमें एक और फिगर देखनी है। ये फिगर आप देखें अगर, तो इसमें आपको एक रिजिड बॉडी दिखाई गई है, कि एक रिजिड बॉडी है जो कि लाइक व्हील है और वो रोटेट हो रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द। जब अपने ही एक्सिस के गिर्द बॉडी रोटेट होती है तो ये भी एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन होता है। तो इस कंडीशन में भी आर और वी जो हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो इस केस में हमारे पास फाई की वैल्यू 90 और 90 साइन 90 1। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी एल इक्वल टू एम आर वी। तो अगेन वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमने ये चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी और फिर 2 आर हो गए, तो ये आर ओमेगा हो जाए, आर स्क्वेयर हो जाएगा। एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। एम आर स्क्वेयर इज रिप्रेजेंटिंग दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, दैट इज दी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद दी एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे देखें कि आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की हमें लीनियर मोमेंटम मिलता है। लीनियर मोमेंटम होता है एम इंटू वी, जो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे लीनियर क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज हैं, ओनली द डिफरेंस इज दिस वन। बाकी रिलेशन की नेचर सारी की सारी सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये लीनियर क्वांटिटी है, ये एंगुलर क्वांटिटी है। ये जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा होगा उस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये क्वांटिटी क्या होगी, जिस प्लेन में पार्टिकल मूव हो रहा है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे भी ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। सो दिस इज़ दी एंगुलर मोमेंटम एंड एसोसिएटेड थिंग्स। होपफुली आप इसको जो है समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में जो है ये चीज़ बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।